झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। दोस्तों नमस्कार, मैं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि BCN ने शुरुआत किया है हमारे नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार में, जिसमें झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब आपके ही वार्ड के नगर सेवक से। हम सीधे करेंगे उनसे सवाल और उनको देने भी होंगे सभी सवालों के जवाब। ये 5 साल का अनुभव क्या कहता है, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं वार्ड क्रमांक 5 से नगर सेवक प्रवीण भिसिकर सर। सर सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं प्रवीण विलासराव भिसिकर, फिलहाल मैं प्रभाग क्रमांक 5 से नगर सेवक हूँ। 2007 में मैं पहली बार महानगर पालिका में चुन के गया था, गांधीबाग वार्ड से नगर सेवक था। 2009 में मैं नागपुर महानगर पालिका का स्थायी समिति अध्यक्ष था। उसी पीरियड में नागपुर म्युनिसिपल ट्रस्ट का ट्रस्टी था। 2012 में मैं तांडापेट बांग्लादेश से नगर सेवक था और 2017 में अभी हाल ही में जो मेरा प्रभाग है वो प्रभाग 5 और क्षेत्र आता कांजस चौक से लेके शांति नगर और बिना के मंगलवारी एरिया। जी सर, ये बताइए कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीति से रही है, तो राजनीति का आपको कितना फायदा मिला है? पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, क्योंकि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, यानी मेरे पिताजी छोटे थे तब हमारा राजनीतिक परिवार था जी। उसके बाद बड़े पिताजी के वक्त हमने राजनीति परिवार से छोड़ दी थी और उसके 2007 में ऑटोमेटिकली इन्हें जो ऊपर का लिखा हुआ होता है वैसा ही आता है बोलते, वैसा ही 2007 से वापस से मैं पहली बार नगर सेवक के चुनाव के लिए खड़ा हुआ। और मैं पहली बार जब नगर सेवक चुनाव के लिए खड़ा हुआ था तब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ था जी। और उस पीरियड में ऐसा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी टिकट देने के लिए तैयार थी, भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देने के लिए तैयार थी, राष्ट्रीय कांग्रेस भी टिकट देने के लिए तैयार थी, शिवसेना भी टिकट देने के लिए तैयार थी। लेकिन सलील देशमुख जो है वो मेरे मित्र थे और उनको मैंने जुबान दी थी, इसलिए मैं पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस से खड़ा हुआ था और मैं पराजित हुआ। उसके बाद गडकरी साहब की तरफ से बुला हुआ, और जब मैं 2007 में खड़ा हुआ था तभी ऐसा था कि गडकरी साहब ने भी बोला था कि तू जहां से बोले वहां से टिकट हम आपको देते हैं, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से खड़े हो जाइए। लेकिन मैंने दोस्त को जुबान दी थी, वो मेरे को पूरी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ था। अन्यथा घर वालों की भी इच्छा पॉलिटिक्स से दूर रहने की ही थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब एक बार वो वाले धारा में बह गए तो कैसा है, समुन्द्र में जब गिरे हो तो तैरना तो पड़ेगा। इसलिए सेकंड टाइम यानी जब मैं पहली बार खड़ा होने के बाद हारने के बाद जो चुन के आए वो देवराव जी उमरेडकर चुन के आए थे, यानी मैं हारने के बाद भी जो चुन के आया वो महापौर बना था। यानी हम हारने के बाद भी किसी को बना सकते हैं, एक गडकरी साहब की डॉल लगती कि आप हारने के बाद भी आपने बना है तो आप जीत के भी कुछ ना कुछ बन जाओगे जी। और आपकी जो छवि है और आपकी जो काम करने की टेक्निक है ये बेहतर है, ऐसा गडकरी साहब ने उस पीरियड में बोला था। और 2009 में मैं चुन के आने के बाद 2007 में उपचुनाव में मैं चुन के आने के बाद 2009 में मेरे को गडकरी साहब ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया था जी। आपकी जो नगर सेवक के पद पे 3 बार शायद नियुक्ति हुई है जी। सर ये बताइए कि आपके वार्ड में अगर हम बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, ऐसा हमको नागरिकों की तरफ से पता चला है, तो किस प्रकार की अभी जो समस्याएं हैं वो फेस कर रही है वहां की पब्लिक? पहली चीज ये कि 2017 में चुनाव हुए और 4 का प्रभाग हुआ, 70
70,000 लोग, 70,000 वोटर यानी करीबन पकड़ लो कि 90,000 लोग बस्ती का वो प्रभाग है, क्योंकि 70,000 वोटर है तो 20% तुम जो यंग जनरेशन जो है जिनके नाम नहीं आए, तो 20% 20-30% पकड़ लो तो 90 से 1 लाख लोग बस्ती का वो प्रभाग है। अब 1 लाख वो लोक बस्ती के प्रभाग में, और अगर अच्छे से और उसके जो सीमाएं है जो है कैसा है, जैसा मेरा पहला प्रभाग था छोटी सीमा वाला प्रभाग था, घनत्व पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन सीमाएं प्रभाग की छोटी थी, और यहाँ पे जो प्रभाग की सीमा है वो यानी आमदार क्षेत्र का आधा आमदार क्षेत्र वाली प्रभाग की सीमा है। तो ऐसे सिचुएशन में काम करने में दिक्कतें आई, दिक्कतें तो बहुत आएंगी, दिक्कतें बहुत इसलिए आती है कि फंडिंग उतना रहता नहीं। जब फंड रहता है और फाइल बनती है तो फाइल मैंने आज बनाई है, कोई भी नगर सेवक आज फाइल बनाई है 3 महीने में काम स्टार्ट हुआ ऐसा कभी होता नहीं है। वो जो बड़े प्रोजेक्ट रहते उसी में होता है, वो भी क्वचित होता है, ऐसा हर बार होता नहीं। छोटे इसमें ऐसा रहता है कि आज हमने फाइल बनाई है उसका 20 लाख का कोटेशन बन गया, सब हो गया, जब वो टेंडर में जाती तो उसका 1 साल हो जाता। 1 साल होने के बाद पहले तो फंड के लिए हमारे को लड़ाई, हर नगर सेवक को फंड के लिए महानगर पालिका के कमिश्नर साथ कमिश्नर साहब के साथ लड़ाई करनी पड़ती, कैफो के साथ लड़ाई करनी पड़ती। आप हर नगर सेवक को पूछिए कि जब तक के वो कैफो साहब के पास जाते नहीं तब तक के उनके फाइल के वर्क ऑर्डर स्टेज पे फाइल आती है क्या? नहीं आती। यानी आज मैंने किसी नगर सेवक ने आज काम डाला तो वो 1 साल के बाद होता। 2017 में जब हम नगर सेवक बन के आए और जो जो काम डाले होंगे, जो भी नया नगर सेवक 2017 में हर कोई नया नगर सेवक बना हर अपने अपने क्षेत्रों से। जैसे मेरे लिए भी 2017 में मैं थर्ड टाइम नगर सेवक था लेकिन उस क्षेत्र में मैं नया नगर सेवक था। संबंधित समस्याएं पहले जानना और उसको बाद में फाइल में उतारना और उसका फिर प्रोसेस करके उसको डेवलपमेंट में उतारना। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस के लिए समय लगता, ये प्रोसेस के लिए फंडिंग लगती। जब फंडिंग आई और उसके बाद अगले साल काम चालू हुआ। सर फिर भी 3 टर्म में आप जीत के आए तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है राजनीति के क्षेत्र में। और अगर हम नए नगर सेवक की बात करें तो 5 साल में कोरोना का जो साल था वो 2.5 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया और बचे 2.5 साल। तो इन 2.5 सालों में बहुत से विकास के काम है जो अभी भी पेंडिंग पे लटके हैं। तो वो चीजों पे आ रहा था मैं, क्योंकि पहला 2017 में हमने जो काम डाले वो 2018 में स्टार्ट हुआ। 2018 में जो काम डाले तो 2019 में स्टार्ट होना था। 2019 में जब कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के साथ साथ गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी चेंज हो गए, और जिसकी सत्ता उसकी जिसकी लाठी उसकी बस उस समान हिसाब था कि भैया हमारी 2018 की जो भी फाइलें है वो कोविड के कारण और आर्थिक समस्याओं के कारण उसको रोकी गई। अब जो रोकी गई और कर्टेल 30-40%, जैसे मेरी 90 लाख की फाइल बनी हुई है और 40% का 1 करोड़ की फाइल बनी हुई है तो 40% का कर्टेल 7 लाख रुपए में से वो रोड बनाना है, कौन ठेकेदार बनाने वाला है? फिर ठेकेदार की भी समस्या रहती, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिला। यानी यहाँ पे ऐसा कि हर समस्या को जाते जाते पब्लिक को हमारे को फेस करना है, और पब्लिक को उससे लेना देना नहीं है ना, क्योंकि उनके भरोसे उन्होंने अपना भरोसा दिखाया इसलिए हम वहां पे पहुंचे हुए। अब हम वहां पे पहुंचे तो वो हमारी कल्याण करे, हमारा दिमाग हमारी समस्या समझ के ही हमारे को प्रशासन से लड़ना पड़ता। अब प्रशासन से लड़ते लड़ते फिर विकास काम को आगे बढ़ाना पड़ता। मतलब इन 5 सालों में ऐसे कई पड़ाव आए जिसमें कोरोना काल आ गया, सत्ता परिवर्तन आ गया और तुकाराम मुंडे जैसे लोगों का सामने भी आपको फेस करना पड़ा, जिसके समय में हमने सुना है कि कई नगर सेवक की जो फाइलें थी वो पेंडिंग पे रह गई, अभी भी वो काम नहीं हुए। नहीं हुए। कैसा है तुकाराम मुंडे साहब, मैं किसी प्रशासकीय अधिकारी को यानी भला बुरा बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, वो उनका मैटर है कि वो शक्ति बरतते, लेकिन कहीं कहीं उनकी शक्ति काम में भी आई, लेकिन कहीं कहीं उनकी शक्ति जहां पे नहीं देना था वो बेकाम की भी रही। जैसा अभी भी उसी नियम के तहत चालू है कि पीएचई डिपार्टमेंट उन्होंने महानगर पालिका में एस्टेब्लिश किया। पीएचई यानी जो हेल्थ के बारे में गड्ढा नाली की समस्या रहेंगी, पहले हम झेडों को देते थे सभी नगर सेवक, अभी उन्होंने एक अधिकारी बिठा दिया जो डिप्टी इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उसका चार्ज दे दिया। पीएचई जब तक के बोलेगा नहीं तब तक के कुछ होगा नहीं। यानी किसी नगर सेवक को
चेंबर रिपेयर करना है या चेंबर डिसेंटिंग करना है तो हमारे को पीएचई को नहीं डिप्टी इंजीनियर को बताना पड़ेगा। और डिप्टी इंजीनियर कितने बजे महानगर पालिका में आता, डिप्टी इंजीनियर 10:30 बजे से उनका महानगर पालिका का कार्यकाल स्टार्ट होता, 7 बजे तो कोई महानगर पालिका में डिप्टी इंजीनियर नहीं आता। और झेड़ू कितने बजे महानगर पालिका में आता, 7 बजे महानगर पालिका में आता। लोगों की समस्या, गड्ढा नाले की समस्या कितने बजे आती है, सुबह आती है, तो वो 10:30 बजे अपने घर पे रहता, 10:30 बजे तक। सर अभी आपने गडर नाली की बात की है, तो हम जहां तक मुझे नॉलेज है तो मस्का साथ पुलिये के नीचे भी जो ड्रेनेज लाइन है वो कहीं ना कहीं फूटी पड़ी है, जिसके वजह से उसका जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या है आपने उपाय? हाँ, ये बेहतर क्वेश्चन है और नागपुर शहर के लिए और मध्य नागपुर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मस्का साथ पुलिया के नीचे वाली जो लाइन है ये इंग्रजों के समय की लाइन है, और वो लाइन मस्का साथ का उधर का जितना भी पोर्शन है, पूरी लोक बस्ती वाला पोर्शन जो है, घनत्व लोक बस्ती वाला पोर्शन है, उसका पूरा गडर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन लाइन, गडर लाइन का पानी पूरा वहां से बहते हुए, और वो लाइन है 30 फुट गहरी नीचे। अगर वो लाइन कहीं बैठती है, और वो बैठी भी तब है जब महानगर पालिका ने 2009 में, मैं जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, तब हमने मस्का साथ, दही बाजार और आनंद टॉकीज आरयूबी, ये तीनों सैंक्शन किए थे। तब वो बनते समय जब पाइल्स के गड्ढे जब किए हैं, पाइलिंग से जो गड्ढे हुए उसके कारण वो ड्रेनेज लाइन की, अंग्रेजों के कालीन की ड्रेनेज लाइन खसक गई है, और वो खसकने के बाद अभी कैसा है, पूरी तो एकदम से नहीं खसकी, लेकिन एक एक ईंटें निकल के वहां पे वो लाइन पे गिरती है। अब उस समय जो बनी हुई ड्रेनेज सिस्टम है उस हिसाब से बनी हुई है, जब वहां पे करीबन तब जो भी लोक वस्ती रही होंगी उस हिसाब से बनी हुई, लेकिन आज की लोक वस्ती बढ़ी हुई है, उस हिसाब से प्रशासन ने इसके तरफ पूरा पूरा ध्यान देने को होना, उसको बड़े प्रोजेक्ट में डालने को होना। जब तक कि उसको बड़े प्रोजेक्ट में लेते नहीं, कोई नगर सेवक या कोई वहां का स्थानीय ये वहां पे कर नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मिनिमम 30-40 कोटी का प्रोजेक्ट रहेगा, कि गडर पुलिया के उधर की लाइन उधर के साइड में और इधर की लाइन इधर के साइड में, ऐसा उसका प्रोजेक्ट प्रशासन ने अपने हाथ में लेने को ना, और प्रशासनिक ने अपने हाथ में लेने के बाद उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा रहेगा तभी जाके वो काम हो सकता, नहीं तो भविष्य में मध्य नागपुर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक घड़ी रहेगी, क्योंकि आज भी वहां पे कभी चेंबर का काम निकला तो 1 महीना पूरे रोड जाम रहते, किराना ओली से लेके उधर के आने जाने को पूरा जाम रहता। सड़क दुर्घटनाएं भी सबसे ज्यादा उसी जगह पे होती है। हाँ, तो चेंबर का काम चालू है, लोगों को कैसा आने के लिए सुविधाजनक होना कि मैं निकल ही जा सकता, इसलिए वो सड़क दुर्घटना भी ज्यादा होती है। बताइए कि एक ओर तो देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन आपके एरिया की बात करें तो वहाँ कचरे की जो गाड़ियां हैं वो एक एक दिन के आड़ पे आती है ऐसा सुनाई दे रहे हैं, और पानी की भी समस्या है, क्या ऐसी कोई शिकायत आई है आपके पास? नहीं, शिकायतें आई है हमारे एरिया में, जैसा मेरा जहाँ से प्रभाग स्टार्ट होता है अपना मैनीबाग पुलिया से, मैनीबाग पुलिया के पास इन्होंने कचरा डंपिंग का यार्ड बनाया। अभी फिलहाल में 8 दिन पहले हमारा डेपुटेशन गया कि वहां पे कचरा डंपिंग का यार्ड होना नहीं। ये इसमें सबसे ज्यादा गलती प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन की है, वो इसलिए कि प्रशासन के अधिकारियों ने जो बीबीजी के साथ करार हुआ है वो करार उन्हीं को अधिकारी को मालूम नहीं, या मालूम है तो हमारे को बताते नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक के पूछा कि तुम्हारे अधिकार इनके जो एग्रीमेंट हुआ है उसके क्या क्या नियम है, जो नियम है वो नियम के तरफ इनके काम हो रहे क्या, अगर नियम के तरफ इनके काम नहीं होते तो अपने पास पेनल्टी के बैलेंस है, पेनल्टी दे सकते थे, पेनल्टी भी नहीं देते। 1 दिन का बिल 2,22,000 रुपए होता है, और महीने भर की पेनल्टी इनके 38,000 रुपए की होती है, सतरंजीपुरा जोन का रिकॉर्ड बता रहा हूं जी। तो 1 दिन का बिल 2,22,000 हो रहा, और ये महीने भर की पेनल्टी 38,000 रुपए दे रहे, यानी जब कचरे की गाड़ी नहीं पहुंची लोगों के घर के पास तो इसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर जवाबदारी है, लेकिन प्रशासन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, पेनल्टी के बायलेंस है, फाइन करना है,
हटाना है, नहीं हटाना है, उसके बिल रोकना है, जब ये चीजें होंगी तो उनकी गाड़ी बराबर पहुंचेंगी। हमारे को जब कब पता चलता है, एक दिन के बाद आई नहीं है, जब पब्लिक हमारे को बताती है तब हम जाके अधिकारी को बोलते हैं, तब जाके पहुंचती है। ये तो आने को इतनी, वैसा इलेक्ट्रिक सिटी का ऐसा है कि महानगर पालिका के मेरे प्रभाग के अंडरटेकिंग 1200 लाइट है, 1200 पोल है। अब 1200 पोल में से कितने पोल बंद रहते हैं ये मेरे को मालूम नहीं रहने को ना, ये पहले अधिकारी को मालूम रहने को ना कि आज इतने इतने पोल है, और उनकी जवाबदारी है कि क्योंकि मैं पहला सिस्टम बना के रखा है कि मेरे प्रभाग में जितने पोल है कितने पोल बंद है उसकी रोज की रिपोर्ट मेरे को होना। बंद है उसकी रिपोर्ट दे, तो चालू की रिपोर्ट मत दे, बंद है तो उसको सुधारना कैसा है ये तुम बाद में ये करोगे, मेरे को तो पहले मालूम रहने को नहीं कि मेरे प्रभाग में कितने बंद है। तो वही सिस्टम कच्चा गाड़ी पे भी लागू होता। लेकिन सर फिर भी नागरिकों ने अपना प्रतिनिधित्व आपको चुनके दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप नागरिकों की जो समस्या है वो प्रशासन तक पहुंचाए, तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं? और मैं अगला सवाल ये कहना चाहूंगी, इसके लिए एक उपाय कि नागरिकों को मैंने कुछ कुछ जगह पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनको भी नंबर देके रखे कि ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट अधिकारी को तुम कॉल। कैसा होता, इतना बड़ा जब प्रभाग रहा तो मैं एक जगह से, मैं सिंगल आदमी हर जगह पे नहीं ये कर सकता, तो कैसा है हर किसी ने हमने व्यवस्था ऐसी बटी हुई करके रखी है। जब बटी हुई व्यवस्था की तो कैसा है सुविधा पब्लिक को होंगी, क्योंकि पब्लिक को क्या होना, उनकी सुविधा होना, क्योंकि तुरंत कंप्लेंट गई है तुरंत आदमी आ गया तो सुविधा मिलती है। कभी कभी बाय चांस ये होता है कि कच्चे गाड़ी वाला वो भी इंसान है, कभी बीमार रहा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट उनको रखना जरूरी रहता, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट आता उसको वो एरिया एंडिंग तक के नहीं मालूम रहता। कभी कभी ये भी होता है, तो वहां पे भी हमारे को भी थोड़ा फिर झुकता मार्क देना वो जरूरी रहता। और पानी की समस्या बताता मैं, पानी की समस्या ज्यादा है, यानी दूषित पानी की समस्या हमारे इधर ज्यादा है। दूषित पानी की समस्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले की लाइन जो जूनी लाइन थी उसमें से लोगों ने इलीगल कनेक्शन लेके रखे थे, नई लाइन डालने के बाद जूनी लाइन काटने के लिए थोड़ा बहुत लोगों का विरोध रहता है, और नई लाइन में जब तक पूरी कंप्लीट होते नहीं तब तक पानी मिल नहीं सकता। अच्छा। और बीच में कनन पंपिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, टाकी सफाई का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो इतने में यानी जब से प्रशासन लगाया तब से पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चालू है, तो इसमें प्रशासन ने सबसे ज्यादा ध्यान देने को ना, जो प्रशासनिक अधिकारी। सर एक समस्या और सुना है कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, तो अभी जैसा कि आपको पता है कि दिन छोटा और रात बड़ी होती है ठंडी के सीजन में, तो बहुत ही जल्दी स्ट्रीट लाइट जो है वो मॉर्निंग के समय बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से अंधेरे में बहुत से हादसे हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसके लिए उपाय अभी जो बताया मैंने कि लाइट कितने बंद रहते हैं ये पहले रिपोर्ट है, मॉर्निंग में कितने बजे बंद की जाती है, तो उसका टाइमर पब्लिक की तरफ से आ गया, तो कैसा प्रत्येक पर्टिकुलर कौन से एरिया का है ऐसा पब्लिक की तरफ से आया है, तो वो तो आजकल टाइमर लगा हुआ है, अपने जो हमारे जोन के जो अधिकारी है उनका बता दिया है, तो उनको कितने बजे तक के होना, 5:30 बजे तक के होना कि 6 बजे तक के होना, तो 6 बजे तक के टाइमर में हम उसका सेट करके वो अली तकलीफ वो है ना बहुत माइनर भाई है, क्योंकि मेरे घर के पास मैं जहाँ पे रहता हल्दीराम के सामने में मेरा रहना है। अब हल्दीराम के सामने में रहना है तो धारस्कर रोड से जो वेंकटेश मंदिर की तरफ जो दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए सुबह के समय में जब ये रहता, तो हमने टाइम पर उसका 6 बजे तक के रखा हुआ है, बराबर 6 बजे तक के लाइट चालू रहती है, क्योंकि आजकल वो जो आवारे आवारा कुत्तों का भी दहशत बहुत ज्यादा हुई है, तो उनके कारण भी लाइट रखना बहुत जरूरी है। सर मेरा आखिरी सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से होगा कि अगर एक बार फिर मतलब चौथे टर्म में आपको जनता मौका देती है नगर सेवक के लिए, तो आपका मेन भावी जो योजनाएं हैं जो पेंडिंग पे होगी या फिर आप करना चाहते हैं तो वो क्या होगी और किन मेन पॉइंट्स पर आप काम करेंगे? देखो जैसा हाथ के 5 उंगलियां रहती है, एक हाथ में 5 उंगलियां रहती, वैसे महानगर पालिका की जो दायित्व है लोक प्रतिनिधि बोल के, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, स्वच्छ पानी, तीसरा घन कचरा व्यवस्था यानी आरोग्य सेवा जी, प्राथमिक आरोग्य सेवा अलग, घन कचरा व्यवस्थापन अलग, और सड़कें जी, लाइट और सड़कें, मतलब जो मूलभूत परेशानी है नागरिकों की, जो मूलभूत सेवा अपन ने बराबर दे दे। आज शिक्षा का स्तर, महानगर पालिका का शिक्षा का स्तर खत्म हो चुका है, वो लोक प्रतिनिधि की गलती है, उसमें लोक प्रतिनिधि की गलती की। मेरे बड़े पिताजी ने जब मैं पहली बार चुन के आया था तब मेरे बड़े पिताजी ने मेरे को
पहला क्वेश्चन ये किया था कि तब महानगर पालिका में जो नगर से चुन के आता था एक स्कूल का, महानगर पालिका के एक स्कूल का अध्यक्ष रहता था, उसके अंडरटेकिंग वो बॉडी रहती थी, वो मैं पन्नालाल देवड़े का अध्यक्ष था। मेरे को मेरे बड़े पिताजी ने क्वेश्चन, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए थे, पहला क्वेश्चन ये किया था कि पन्नालाल देवड़े में गणित का टीचर कौन है? नहीं मालूम। मैं जिस स्कूल का अध्यक्ष हूँ उस स्कूल के बारे में, उस स्कूल के बारे में मेरे को मेरे बड़े पिताजी ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि पन्नालाल देवड़े में आप जो स्कूल के अध्यक्ष हो वो वाले स्कूल के गणित के टीचर कौन है? नहीं मालूम। यानी लोक प्रतिनिधि को, आप हर किसी लोक प्रतिनिधि को जो उनके प्रभाग में स्कूल आती है उनके मुख्य अध्यापक कौन है? नहीं मालूम रहेगा। यानी अपन प्राथमिक शिक्षा से दूर गए। तो मेरे को वही चीजें सुधारना है, क्योंकि नॉलेज आया था, नॉलेज का फायदा आखिरी तबके तक के मिलने, क्योंकि मेरे को नॉलेज आया इसलिए मैं चमचमाचम सिंगापुर बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिरी तब। आरोग्य सेवा भी वैसी है, महानगर पालिका की शिक्षा व्यवस्था, इसलिए मैं बोल रहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो चल रहा था वो अभी ये हो गया, महानगर पालिका में सबसे सेकंड बजट जो रहता है शिक्षा का रहता, और उसमें वेतन के लिए सबसे ज्यादा बजट रहता है। शिक्षकों का ऐसा है कि उनके जो मोर्चे है वो विद्यार्थियों के लिए कभी नहीं रहेंगे, उनके मोर्चे सिर्फ उनकी समस्याओं के लिए रहेंगे, विद्यार्थी इसलिए उनकी नौकरी है ऐसा उनका सोच नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका के विद्यार्थी रहेंगे तभी वो शिक्षक रहेंगे। सही। तो उनकी सोच भी कहीं ना कहीं चेंज करना जरूरी है। बाद में पानी की व्यवस्था, सड़कें, इलेक्ट्रिक, ये मूलभूत सुविधा बहुत अच्छे से दे पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। चलिए दर्शकों, नेता नहीं समाज सेवक चुनिए, जो आपके सुने आप उनके सुने, क्योंकि एक नगर सेवक को कार्य अपने वार्ड में काम करने के लिए जनता का भी उतना ही सपोर्ट लगता है जितना कि उनको प्रशासन का। हर पल रहेगा एक ही प्रयास, नगर की तरक्की, नगर का विकास। इन बीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में नगर सेवक आपके द्वार, इस कार्यक्रम में हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे प्रभाग क्रमांक 5 के नगर सेवक प्रवीण भिसिकर सर। सर एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन बीसीएन की खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज। नमस्कार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार।